Today I have started indefinite integral and some common formula. You are just looking on the board. आप board पे देख रहे हैं आपका देखो ना तो वही है कि mathematics की जो basically the roots of the mathematics is formula. Formula आपको जितना ज़्यादा आएगा जितना perfect आप formula में होंगे उतना ज़्यादा आप questions को करने में सक्षम हो जाएंगे. ये देखो दिस साइन इज ऑफ इंटीग्रल आपका देखो तो मैंने लिखा कॉमन फॉर्मूला अप्लाइड व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड जहां कहीं भी आपका हो वहां देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1. जबकि अगर आप यहां पे बात करते हैं डिफरेंशिएशन में अगर आप करते हैं तो d ओवर dx आपका देखो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इसे करो ये क्या होता था x की पावर n आगे आप डिफरेंशियल में करते थे dx ये आप देखते हैं ना तो d by dx of x जो आप करते थे वो आपका क्या होता था 1 क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू आपका 1 dx इसको कहते हैं 1 dx इसे करो आपका क्या होगा x आपको यहां आप क्या करते थे d by dx of log x आप कहते थे 1 upon x होता है और यहां आप देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1x dx इज इक्वल टू log mod x. अभी इसी को आप देखिएगा ये वाले में आपका देखो ए d by dx ऑफ sin x को आपका क्या लिखते थे आप cos x लिखते थे जबकि d by dx ऑफ आप cos x को आप क्या करते थे माइनस sin x लिखते थे तो देखिए आप देखिए यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x होता है एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आप बनाओ ये प्लस का साइन एक्स होगा तो यहाँ डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन साइन एक्स वॉज कॉस एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वॉज रिटर्न इधर माइनस साइन एक्स. तो सबसे पहले तो आप कंपेयर करना सीखिए क्योंकि बच्चा क्या होगा अभी डिफरेंशियल पढ़ करके आप आए पता चला आपने डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन आपने दूसरे में पहले आप डिफरेंशिएशन का पूरा हो सके मैंने पूरा फॉर्मूला आपको लिखाया था अगर आपको याद होगा इफ यू रिमेंबर दैट मैंने बिल्कुल आपका ऐसे मैंने इंटीग्रेशन के ये कॉमन फॉर्मूले हैं ये आपको करा दिया. मतलब इंटरमीडिएट में अगर ट्वेल्थ में किसी बच्चे को पास होना है वो कुछ ना पढ़े डिफरेंशियल और इंटीग्रल पढ़ ले 44 मार्क्स उसके वैसे ही आ जाते हैं क्योंकि उसी के साथ एप्लीकेशन भी आपके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ और इंटीग्रल में भी आपका उसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो भी आपके यहाँ d by dx हो जब आप 10x लिखते थे उसको क्या लिखते थे आप sec square x और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx को आप क्या लिखते हो 10x. मतलब अब आपको बिल्कुल जस्ट यू हैव टू सी द अपोजिट यानी कि d by dx हो आप 10x नहीं लिखेंगे वहां d by dx सॉरी इंटीग्रेशन यहाँ तो d by dx ऑफ 10x लिखते थे यहां आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec square x लिखेंगे dx तब आपका 10x होगा. मींस इसका मतलब अगर इंटीग्रेशन आप कहीं पर 10x होगा तो 10x को पहले आप क्या करेंगे चेंज करेंगे यू हैव टू चेंज इट इनटू sec square x minus 1 या जो भी फॉर्मूला लगता है मतलब sec में आप फॉर्मूला आप यूज करेंगे जिससे कि sec square x बन जाए आराम से क्योंकि अगर वो 1 भी होगा तो 1 dx जो होता है वो आपका दैट इज x होगा. तो दोनों एक दूसरे के इसीलिए मैंने पूरे 30 दिन लगाए आपके डिफरेंशिएशन में उसका रीजन भी यही था. ठीक है अब मैं आता हूं इसमें फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में मैं आता हूं. दीज ऑल आर द कॉमन जिसको मैं कह रहा हूं ये स्टैंडर्ड ही अपना मतलब आपने इसको क्या करना है कि अगर आपको कोई कहे अब आपने कहा सर हमने करना क्या तो करना क्या आपने देखो आई एम राइटिंग हियर वर्किंग ये जो स्टैंडर्ड मैं कह रहा हूं
सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है द इंटीग्रेंट टिल, तब तक आप करेंगे अपना टिल इट बिकम्स, जब तक कि ये बन ना जाए एन एल्जेब्रिक सम ऑफ ये फंक्शंस सो दैट द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इंटीग्रल, एस आई का मतलब स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, वहां पे इंटीग्रेशन था यहां पे इंटीग्रल है, याद रखिएगा। मे बी डायरेक्टली क्लियर हो गया, और उसके बाद सेकेंड यूज द जो आप सामने देख रहे हैं फॉर्मूला इन फ्रंट एनीवेयर बोर्ड है राइट हैंड साइड में जो फॉर्मूले हैं आप इनको भूल जाए, ये तो कंपेयर करने के लिए मैंने डिफरेंशिएशन के, ये फॉर्मूले आपके जो थे ये डिफरेंशिएशन के जो कल तक आपने किए थे, अब आज भूलना नहीं है, मतलब आपको अब ये याद रखना है इंटीग्रल का सम करना है, क्लियर हो गया। अब जैसे एक क्वेश्चन में दे रहा हूं अभी तो ये खाली, जैसे फाइन उन्होंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ + 3x² + 2x + 4 और ये सब के साथ आपका dx रहेगा, इज इट क्लियर। नाउ इट्स अ टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx, दिस dx इज कॉमन फॉर ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स, जो है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का मतलब यहाँ पे क्वाड्रिट जिसमें चार टर्म है, ओके ये हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4। नाउ द कोएफिशिएंट विल कम इन द फ्रंट, तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx प्लस 3 विल कम इन द फ्रंट एंड यू राइट इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, दिस 2 विल कम बिफोर द इंटीग्रेशन साइन देन x dx एंड दिस 4 विल कम अगेन देन इट इज y dx, ठीक है। नाउ फॉर्मूला अप्लाई, द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, जबकि अभी तक आपके दिमाग में जो घुसा हुआ है d की पावर dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 घुसा हुआ है, अब यहां पे पावर देन यू हैव टू यूज दिस, ये इंटीग्रेशन का साइन ही आप करा दोगे, दिस इज द साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, सो एक्स की पावर एन डी एक्स कैन बी इंटीग्रेटेड एक्स की पावर एन प्लस 1, मींस वट एवर द पावर इज दैट पावर विल बी एडेड विद 1 एंड इन द डिनोमिनेटर दैट पावर विल बी रिटर्न आपका एंड द सेम थिंग वट एवर यू आर राइटिंग इन ए पावर दैट यू हैव टू राइट इन ए डिनोमिनेटर 2 तो 4 एक्स की पावर देखो 3 + 1 ओवर x की पावर n, n means 3, n plus 1 upon n plus 1, now plus 3, जैसे ही आपके अगर ये फॉर्मूला आप लिखेंगे ये इंटीग्रेशन का साइन यहां से, यू हैव टू रिमूव दिस इंटीग्रेशन साइन फ्रॉम हियर, इसके बाद आपने इंटीग्रेटेड कर दिया इसको, तो x की पावर 2 plus 1 upon 2 plus 1 plus 2, x की पावर सॉरी x की पावर 1 plus 1 4, 1, अब यहाँ पे द सेकंड फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज कॉल्ड योर x,
जबकि डिफरेंशिएशन की अगर आप बात करते आप डी बाई डी एक्स ऑफ जब वन लिखते थे दैट वॉज योर जी. एनी नंबर एनी डिजिट व्हेन यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दैट ऑलवेज कम जीरो. लेकिन यहां पे आपका देखो ना तो ये दो फॉर्मूले आप यहां पे चला रहे हैं. फोर इंटू एक्स की पावर फोर ओवर फोर प्लस थ्री इंटू एक्स की पावर थ्री ओवर थ्री प्लस टू इंटू एक्स की पावर टू ओवर टू खल्लास 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 एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर. और इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी खासियत है कि जब आप आंसर लिखते हैं आंसर में आप लास्ट में सी लिखते हैं. क्लियर? ये सवाल आपने ऐसे करना है तो जरा फटाफट फॉर्मूले और ये कर लीजिए. इंटीग्रेशन कुछ तो पढ़ाया होगा आप लोगों को स्कूल में है? तो फिर क्या पढ़ाया गया इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं. देखो दिस रूट एक्स इज कन्वर्टेड इंटू एक्स की पावर थ्री बाई टू माइनस सेवन एक्स की पावर फाइव बाई टू प्लस नाइन एक्स की पावर सेवन बाई टू इट विल बी मल्टीप्लाइड विद ऑल एक्स की पावर हाफ इंटू एक्स की पावर थ्री बाई टू इंटीग्रेशन अंदर जा रहे हैं माइनस सेवन इंटू एक्स की पावर हाफ इंटू एक्स की पावर फाइव बाई टू एक्स ना प्लस नाइन अब कहना एक्स की पावर हाफ और प्लस सॉरी एक्स की पावर सेवन बाई टू. द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ नाइन ऑफ इंडाइसिस इज x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n. तो देखिए नाउ यू सेपरेट ऑल द इंटीग्रेशन विद इंटीग्रेशन साइन x की पावर 1 बाई टू प्लस 3 बाई टू डी एक्स माइनस सेवन इंटू दिस कोफिशिएंट विल कम आउट साइड ऑफ दिस इंटीग्रेशन साइन x की पावर हाफ प्लस 5 बाई टू डी एक्स प्लस नाइन इंटीग्रेशन ऑफ हाफ प्लस सेवन बाई टू माइनस एक्स की पावर फोर बाई टू डी एक्स माइनस सेवन एक्स की पावर सिक्स बाई टू डी एक्स प्लस नाइन एक्स की पावर सॉरी एक्स की पावर एट बाई टू डी एक्स. इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम सो द न्यूमरेटर विल बी एडेड टू ईच अदर. So integration of x की पावर टू dx एक्स ना प्लस सॉरी माइनस सेवन इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर थ्री dx एक्स प्लस नाइन इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर फोर dx. एक्स सो नाउ आई हैव टू यूज द फॉर्मूला अप्लाइड अपन इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन x की पावर n प्लस वन ऊपर n. शुरुआत में जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में आपको बोला द सेम प्रोसेस यू हैव टू होल्ड जहां जहां वेर एवर यू आर फाइंडिंग द फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड आप लिखना चालू कर दीजिए. आपका मेनी टाइम्स सेवरल टाइम्स एंड लॉट ऑफ टाइम्स आपका इफ यू राइट आपका ना तो वो मेमोराइज हो जाता है वो लर्न हो जाता है आपको उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. तो ना एक्स की पावर टू प्लस वन ओवर दिस टू प्लस वन अपन माइनस सेवन एक्स की पावर थ्री प्लस वन ओवर थ्री प्लस वन प्लस नाइन इंटू एक्स की पावर फोर प्लस वन ओवर फोर प्लस वन अपन सुनो एक्स की पावर थ्री बाई थ्री माइनस सेवन इंटू एक्स की पावर फोर बाई दिस इज फोर एंड प्लस नाइन इंटू एक्स की पावर फाइव ओवर अपन फाइव. यहां से इसको ऐसे लिख देते एंड एट लास्ट इन आंसर यू हैव टू राइट सी. बस ये इंटीग्रेशन में सी आपको लिखना पड़ेगा जी. तो फिर जब इतना आ गया था तो फिर कितना और आना था. इट इज नॉट अ इलास्टिक अपना यू विल सी दैट द इलास्टिसिटी अपना हाउ मच इट इज कमिंग बाय जस्ट स्ट्रेचिंग इट. अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करिए
और आप तो कर सकते हैं, मैं जिसके फादर बैंक में सीएम होंगे तो वो तो कर ही पाएगा, इज इट क्लियर? तो कॉल आपसे मुलाकात होती है, हैव ए नाइस नाइस आई हैव स्टार्टेड आज फॉर्मूला जाकर के, कोई जरूरी नहीं है आज ही याद करना है, लेकिन इतना जरूर है कि आपको इंटीग्रेशन जो आपको स्कूल में पढ़ा, कितने दिन में पढ़ाए, मुझे तो इसको फिर वही लगेगा, मुझे एक महीने से ज्यादा लगेगा, क्यों झूठ बोलूं मैं, क्यों मुझे तो एक एक चीज के अंदर घुसना है ना। ओके, हैव ए नाइस नाइस इवनिंग स्टॉल।